अपने सूबे के अवाम को कैसे जवाब देंगे, और फिर आप ये क्या मज़मूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे, पंजाब में 65,000 खसूसी अफराद को ये कार्ड जो है वो आज से मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सूबे में कानून के मलारी पर कोई समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को पंजाब पर हमले के बजाय आवाम पर खर्च करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब अरिफ नवाज का हिम्मत कार्ड मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हिम्मत कार्ड के हामिल अफराद को 3 माह में 10,500 रुपये मिलेंगे। पंजाब हुकूमत खुसूसी अफराद को तन्हा नहीं छोड़ेगी। सूबे में 65,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना वली तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 ट्राइब्यूनल्स कायम कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 4 रिटायर्ड और 4 हाजिर सर्विस जजेस शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, जस्टिस इनवार हुसैन और जस्टिस सरफराज डोगर ट्राइब्यूनल जजेस मुकर्रर। रिटायर्ड जजेस में राना जाहिद महमूद, जफर इकबाल, अब्दुलशकूर पराचा, महमूद मकबूल बाजवा शामिल। जजेस इलेक्शन अपीलों पर समाप्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पीजीआई का इतवार को एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आई। पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन अमान के क्याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी मलिक नाजीउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 हकाइक के बरक्स नाफिज की गई। अदालत पंजाब में दफा 144 के नफाज को कलदम करार दे। हुकूमत जालिमाना तरीके से मुल्क का निज़ाम चला रही है। बानी पी जाए समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। दावा किया कि मुल्क में जमहूरियत की पामाली हो रही है। तहरीक इंसाफ पुरअम जमात है, हर जलसे में पुलिस तशद्दुद करती है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से मुजावजा आईनी तरमीम के मुसवदे का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल की कमेटी का मुतद्दी शिकों पर इतफाक और मुतद्दी से इतफाक ना हो सका। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत ना बढ़ाने का फैसला। सिर्फ वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल मुकर्रर करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की कमेटी ने हुकूमती तजावीज़ से मुकम्मल तौर पर इतफाक कर दिया। बसारत से महरूम अफराद का मुतालिबात के हक में धरना। बारहवें रोज में दाखिल नाबीना अफराद के हुकूमत के साथ मुजाकरात नाकाम। क्लब चौक पर बैरियर लगाकर नहर पुल से ट्रेनिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। धरने के बाद शहरों को शदीद दुश्वारी का सामना। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे। आमदन के दावेदार मास ट्रांजिट अथॉरिटी मौशी बदहाली का शिकार। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन का ऑपरेशन चलाने के लिए भी फंड्स कम पड़ गए। हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडी की रकम का मुकम्मल इजरा नहीं किया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को गुजशत समाही की भी सब्सिडी की पूरी रकम न मिल सकी। लाहौर के मास ट्रांजिट में रोजाना औसतन सफर से घसाने पर 8,80,000 रुपये का बोझ पड़ रहा है। माली घपलों और बेजाबतियों का जवाब जमा करवाने में सुस्ती। महकमा स्कूल एजुकेशन के मातहत इदारों ने ऑडिट पर जवाब जमा ना करवाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, कायदा अकेडमी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स ने जवाब जमा ना करवाया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जवाब तलब कर लिया।